वेलकम टू यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज स्टूडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर वेव फ्रॉक फॉर 7 to 8 ईयर बेबी गर्ल। जिसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक लिए हैं, जहाँ प्रिंटेड फैब्रिक हमने लिया है 1/2 मीटर और प्लेन फैब्रिक हमने लिया है 1 मीटर। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्रिंटेड फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो फोल्ड एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5 इंचेस और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। और यहाँ पे चेस्ट का पार्ट हम लेंगे 7.5 इंचेस और हल्का सा राउंड शेप बनाते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। और ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ हमें लेनी है 11 इंचेस और यहाँ से कमर की ब्रॉडनेस हम लेंगे 7 इंचेस और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है 2 इंचेस और यहाँ पे राउंड शेप बनाते हुए हमें नेक ड्रॉ करना है फ्रंट और बैक के लिए। अब हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो हमें 2 पीसेस मिल गए हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए टॉप पार्ट के इस तरह से। अब यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए हमें बेस फैब्रिक कट करने हैं। तो बेस फैब्रिक को यहाँ पे हम अरेंज करेंगे और इसके ऊपर हमें टॉप पार्ट को सीधा रखना है फ्रंट और बैक को। इस तरीके से और दोनों पार्ट को हमें एज इट इज मार्क करने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, हमने दोनों पार्ट के लिए बेस फैब्रिक कट कर लिए हैं और यहाँ पे हमें मेन फैब्रिक को ओपन करना है और इससे हमें उल्टा रखेंगे बेस फैब्रिक के ऊपर। दोनों पार्ट पे हमें मेन फैब्रिक को बेस के ऊपर उल्टा रखना है इस तरह से। और यहाँ पे अच्छे से मिलाने के बाद आर्म होल में और नेक पार्ट में हमें सिलाई करनी है। ये देखिए, हमने सिलाई कर ली है दोनों पार्ट्स में और यहाँ पे अब हल्के हाथों से हम नोचिस लगाएंगे जहाँ भी हमने सिलाई की है आर्म होल्स में और नेक पार्ट में, वहाँ पे हमें हल्के हल्के हाथों से कर्व्स लगाने हैं। और नोचिस लगाने के बाद दोनों पार्ट को हमें राइट साइड पे टर्न कर लेने हैं। ये देखिए, हमने दोनों पार्ट को राइट साइड पे टर्न कर लिए हैं और यहाँ पे बॉटम पार्ट के लिए हमने प्लेन फैब्रिक से 2 रेक्टेंगल पीसेस कट किए हुए हैं, जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 41 इंचेस और लेंथ हमने रखी है 20 इंचेस। और यहाँ पे हमें प्लीट्स लेनी है, सिंपल प्लीट्स लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें सेंटर मार्क करना है दोनों पार्ट पे इस तरीके से। दोनों पार्ट पे हमें मार्क कर लेना है सेंटर को इस तरह से। और यहाँ पे हमें प्लीट्स लेनी है तो लेफ्ट टू राइट पे हमें सेंटर तक इस तरीके से फोल्ड करना है प्लीट्स लेते हुए और हमें पिन करते जाना है। लेफ्ट साइड में हमें लेफ्ट टू राइट प्लीट्स लेते हुए हमें और इसके बाद इसके ऑपोजिट साइड में हमें प्लीट्स लेनी है राइट टू लेफ्ट सेंटर तक और इस तरीके से हमें सिंपल प्लीट्स लेते जाना है और राइट टू लेफ्ट प्लीट्स लेते हुए हमें पिन करना है। तो इस तरीके से हमने एक पार्ट में सिंपल प्लीट्स रेडी कर ली है और इस तरीके से दोनों पार्ट में हमें प्लीट्स रेडी करनी है। ये देखिए, हमने दोनों पार्ट में प्लीट्स रेडी कर ली है और ऊपर से सिलाई करते हुए हमें इसे फिक्स कर देना है। ये देखिए, हमने प्लीट्स को फिक्स कर दिया है दोनों पार्ट पे। और यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इसे यहाँ पे हम अरेंज करेंगे और
इसके ऊपर हमें उल्टा रखना है, अपर बॉर्डर को मिलाते हुए टॉप पार्ट को बॉटम के ऊपर, और हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम जॉइंट कर लिए हैं और दोनों पार्ट को राइट साइड पर टर्न किया है। अब यहाँ पे एक को राइट रखते हुए दूसरा हमें उल्टा रखना है इसके ऊपर, और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद दोनों शोल्डर में हमें सिलाई करनी है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स बनानी है, तो इस तरीके से हमने दो स्ट्रिप्स कट किए हैं प्रिंटेड फैब्रिक से, जिसकी लेंथ हमने ली है 5 इंचेस और ब्रॉडनेस हमने रखी है 18 इंचेस। और यहाँ पे सबसे पहले एक बॉर्डर को हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए हमें पिको करना है एक साइड को, और एक बॉर्डर पे हमें बड़े नंबरों की सिलाई करनी है और यहाँ पे हम गैदरिंग करेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से एक बॉर्डर को पिको कर लिया है, और यहाँ पे एक बॉर्डर पे हमें गैदरिंग करना है इस तरीके से, एक धागे को अलग करके एक हल्के हाथ से खींचना है और पूरी ब्रॉडनेस में इस तरीके से हम रफल बनाएंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से दोनों स्लीव्स को रेडी कर ली है, और यहाँ पे हमें इसे अटैच करना है, तो इस तरीके से हमें सीधा अरेंज करना है इसके नीचे आर्म होल के, और पार्ट को हमें सीधा रखना है इसके ऊपर, और हमें ऊपर से सिलाई करनी है। और इस तरीके से दूसरे स्लीव्स को भी हम यहाँ पे आर्म होल के नीचे अरेंज करना है और हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली है इस तरीके से। अब यहाँ पे दोनों पार्ट को हमें रॉन्ग साइड पे टर्न करना है फ्रॉक की फिटिंग के लिए, तो यहाँ पे अच्छे से मिलाना है हमें फ्रंट और बैक को, और अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ से हमें 1 इंच की डिफरेंस पे सिलाई करनी है दोनों साइड से, और फ्रॉक को हमें फिटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों साइड से 1 इंच की डिस्टेंस पे सिलाई करते हुए फ्रॉक को हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है, और फ्रॉक की जो नीचे वाली बॉर्डर है इससे भी हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में सिलाई करनी है। ये देखिए हमने नीचे वाले बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पे एक रेडीमेड फ्लावर हमने लिया है जिसे यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड में इसे अटैच कर लेना है, और इसी के साथ ये बे फ्रॉक हमारा रेडी है। तो फाइनली तैयार है हमारा डिज़ाइनर सिंपल प्रिंटेड बे फ्रॉक। दोस्तों अगर आपको डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।